हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 30 सितंबर तक आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होगी, आप दोनों एक दूसरे से क्या छुपा रहे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और ब्लॉकेज क्या हो सकती है आपके इस रिश्ते में। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 15 से 30 सितंबर तक। आप जिसके लिए भी देख रहे हैं उनका नाम सोच सकते हैं। अभी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। ओके, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स में हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और 15 से 30 सितंबर के बीच में हो सकता है जिन्होंने भी अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है वो अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं अपने पार्टनर से। और बहुत सारा प्यार आप देखने को देखेंगे अपने पार्टनर का, अपनी तरफ एक अट्रैक्शन फील करेंगे। और आपकी तरफ से मैं ये देख पा रही हूँ कि यस, आप थोड़ा सा मैच्योर बिहेव कर रहे हो यहाँ पर। आप अपने गोल्स पे फोकस्ड हो, आपको अपने करियर पे फोकस करना हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास बहुत कम टाइम हो, या फिर आप कुछ ऐसे करियर में हो जिसमें अभी आपका मेन टाइम हो, जिसमें आपको फोकस करना ज़रूरी हो। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग कार्ड ये दिखा रहा है कि जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं पास्ट के आपके रिलेशनशिप को लेकर, उससे आप अभी हील होने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी का मोमेंट है उसको आप कोशिश कर रहे हो जीने की, लेकिन आप पास्ट के पर्सन से भी हील होने की अभी कोशिश कर रहे हो। तो जो एक अफेक्शन आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिख रहा है, आपकी तरफ से थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशंस लेकर नहीं जी रहे हो। रिलीजियस फैक्टर एंड पे अटेंशन टू द ओके। देखिए, आप क्यों इतना इन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है। हम दोनों एक दूसरे के साथ में मतलब कि क्या पता फ्यूचर में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा फ्यूचर की टेंशन होने की वजह से आप ये रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं कर रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन अपने पार्टनर को शायद 15 से 30 के बीच में नहीं दे पाओगे। मतलब ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव कर रहे हो सिंह राशि, और आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपा रहे हो, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से क्या छुपाएंगे 15 से 30 सितंबर के बीच में। ओके, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है सिंह राशि, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर जो हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं मुझे। मतलब या तो ऐसा लगता है ये वन साइडेड लव है, या फिर ऐसा लग रहा है कि अभी ही शुरुआत हुई है, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए यार, अभी तो मैं पास्ट से भी हील नहीं हो पाई हूँ या नहीं हो पाया हूँ, और अभी फिर नई शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। तो हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो 15 से 30 सितंबर के बीच में। आपके जो पर्सन है वो इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हो सकते हैं, बहुत गुस्सा हो सकते हैं, उनको ऐसा लग सकता है कि यार इतना कोशिश करने के बाद भी कोई मुझे वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है जो एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से वो थोड़ा दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आपके सर्कल में एंट्री लेना चाहे, वो आपसे बात करना चाहे, वो आपके अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यार चीज़ें ठीक हो जाए, राइट, लेकिन मतलब कि वो बता नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ मन ही मन गुस्सा किए जा रहे हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है ये सब ठीक, क्यों वो इतना मतलब भाव खा रहा है पर्सन,
क्यों वो मुझे परेशान कर रहा है। तो मतलब आपके पर्सन की तरफ से 100% कोशिश होगी कि आपको मनाने की, लेकिन वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे। इमोशंस कौन से? गुस्से वाले इमोशंस, ओके, कि उन्हें गुस्सा आ रहा है कि आप मान नहीं रहे हो, ठीक है। तो वो दिखा नहीं पा रहे हैं। यहाँ आप जो हैं, आप ये नहीं दिखा पा रहे हो कि यार मैं पास्ट की ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी में हूँ, मैं अभी इम्बैलेंस हूँ। आप ही आपके पर्सन को दिखा नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अब भी मुझे करियर ग्रोथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप अपने पार्टनर से बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो कि अगर मैंने ये चीज़ कही तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को बुरा लग जाए। वॉकिंग अवे, देखिए आप पीछे मुड़ कर देखना नहीं चाह रहे हो अभी। मुझे ऐसा लग रहा है सिंह राशि कि आपके पार्टनर आपको फोर्स करने वाले हैं, या किसी नए पर्सन की एंट्री इन 15 दिनों में होने वाली है, जो कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, जो आपकी तरफ आगे आना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, लेकिन अभी आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे और आप मना भी नहीं कर पाओगे। आपके मन में कैसी फीलिंग्स हैं आप शेयर नहीं कर पाओगे अपने पर्सन से, और आपके पर्सन इस वजह से आपसे बहुत नाराज़ रह सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, पर वो दिखाएंगे नहीं। तो ये बातें जो है एक दूसरे से छुपी भी हो सकती है, ठीक है। देखते हैं क्या ब्लॉकेज है आपके इस रिश्ते में, ऑब्स्टिकल क्यों आ रहे हैं। सिंह राशि, आपके लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं? आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्या है? हार्मनी, चेंज एंड नॉथिंगनेस, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट का एक्सपीरियंस आपका इतना बुरा रहा है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में से आप निकले हो, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है एक्सपीरियंस से, जिसकी वजह से अब आपको ऐसा लगता है कि अगर अब मुझे किसी के साथ कनेक्ट होना है तो पूरा शादी वाले रिश्ते में कनेक्ट होना है, मुझे कोई बीच में अफेयर नहीं चाहिए, मुझे कोई सिचुएशनशिप नहीं चाहिए, मुझे कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो लाइफ में चेंजेस आएंगे वो परमानेंट लाना चाहते हो आप किसी के चक्कर में नहीं आना चाहते हो, आपको कोई किसी से अब कनेक्ट नहीं करना है, आपको वो इमोशंस नहीं चाहिए किसी के लिए कि फिर आए, फिर दिल तोड़ के चला जाए या चली जाए और फिर आपको संभलना पड़े, आप वो नहीं चाहते हो। ये ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। ये ऑब्स्टिकल नहीं कहूँगी मैं, ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो, अब इतना समझ आप में आ चुकी है कि अब जो भी डिसीजन होगा वो मैरिज तक जाएगा, वो फैमिली तक जाएगा, इसके अलावा अब कोई रिलेशनशिप में आप नहीं आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीच में अपनी रीडिंग के, कि जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है क्या उनका कॉन्टेक्ट होगा अपने पार्टनर से इन 15 दिनों में, क्या आपका रिकन्सिलेशन होगा? जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है क्या उनका रिकन्सिलेशन होगा? 100% यस होगा, बहुत अच्छे से होगा। और मैं ये देख पा रही हूँ कि दोनों के मन में जो भी छुपी हुई बातें थी, जो भी एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब क्लियर होगी। आपका रिश्ता एक नई तरह से उभर के आएगा, नए तरीके से आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी, जिसमें एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शन, अट्रैक्शन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो जाएगी, जो भी झगड़े थे वो सब सॉल्व हो जाएंगे, जो भी आप लोगों को लगता था कि यार ये कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पता है वो समझ आ जाएगी कि ये चीज़ अब हमको नहीं करनी है। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक नई शुरुआत आप अपने रिश्ते के साथ कर पाओगे। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपनी रीडिंग पे, तो देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? ओके, यहाँ पर देखिए नीचे है द मैजिशियन का कार्ड। चाहे कितना भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम ज़बरदस्ती भगवान से ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमारी लाइफ में नहीं आ सकती, जो हमें नहीं मिल सकती। पता है हमें ऐसा लगता है कि यार कोशिश करने से मिल जाएगी, कोशिश करने से मिल जाएगी, लेकिन वो एक हमारी नासमझी होती है। जो चीज़ किस्मत में है ही नहीं, जो आपकी आपकी लाइफ में नहीं सेटल हो सकती या नहीं आ सकता, उसके लिए आप क्यों मेहनत कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर एक अच्छी दोस्ती के रूप में हमेशा बना रह सकता है, और बाकी इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है।
एक अच्छे दोस्त आप दोनों हमेशा बने रह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा सिंह राशि। देखिए द लवर्स की एनर्जी है, अगर उन्हें वो प्यार, वो जो वो चाहते हैं, वो इमोशंस, वो उनको यहाँ पर नज़र नहीं आए तो वो मूव ऑन भी कर सकते हैं। एक बार वो ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपको अपने दिल की एक एक बात बताने की इन 15 दिनों में कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी स्टार्टिंग में ही, लास्ट में मुझे ये दिख रहा है कि लास्ट में हो सकता है कि वो पूरी तरह से कोशिश करें कि आपको समझाए, आपको बताए कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे कितना ज़्यादा अफेक्शन फील करते हैं, लेकिन आप नहीं समझोगे तो वो यहाँ से मूव ऑन भी करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके जवाब पे कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपके पर्सन का रिप्लाई होगा। लास्ट में मैं लेती हूँ आपके लिए दो गाइडेंस कार्ड कि सिंह राशि के लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो पास्ट में जो भी नेगेटिव आपके साथ हुआ है, जो भी नेगेटिव एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड थे, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि दुख मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। किसी भी तरह का दुख लेकर बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, कभी ना कभी हमें उसको हील करना ही पड़ता है। और दूसरी बात ये कि कोई भी दुख लेकर बैठना क्यों है, कल कोई बात हुई उसको आज तक क्यों लेकर बैठना है। अगर वो फिर भी आपको हर्ट कर रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन इनफ, उसके बाद उसको हील करके और आपको मूव ऑन करना चाहिए, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करनी चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है वो हमें एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए आता है लाइफ में, वो कुछ सिखा के जाता है वो रिश्ता हमको, या वो जो सिचुएशन होती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस ना होकर थोड़ा अपनी लाइफ में पेशेंस लेकर आओ, समझदारी लेकर आओ, आगे बढ़ो। देखो, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तभी नई दुनिया आपको दिखेगी। जब तक आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे आपको नई दुनिया कैसे नजर आएगी। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो पिछला है उससे बाहर निकलो, जो नया है उसको एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट करो, आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में किसी और के साथ अगर आपको अट्रैक्शन फील होता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन पहले वाले पर्सन ने जो आपके साथ किया, जो आपको चीट किया या जो भी गलत हुआ, वो इस बार फिर से हो सकता है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि अवेयर रहो बट इम्पेशेंस मत बनो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।